300 वर्ष पुराना है ये मंदिर। और ये पीपल का पेड़ दोनों 300 साल पुराना है। नर्मदे हर उत्तर नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, चंद्रमूलेश्वर महादेव मंदिर, ग्राम गड़बोरियाद, 300 वर्ष पुराना है ये मंदिर। ये भैया मंदिर में सेवा देते हैं। भैया नर्मदेहर, नर्मदेहर आपका नाम क्या है? राजेश भाई। राजेश भैया, यहाँ पूरे टकम्बा वासियों को रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब सुविधा यहाँ है। ग्राम गड़बोरियाद ना, सबके लिए पूरी सुविधा है। यहाँ रहते आते जाते रहते, दोपहर में आते शाम को आते, सबकी सेवा हम लोग करते हैं, जो हमसे हो सकता है उतना। जिला छोटा उदयपुर, उत्तर तट में पैदल परिक्रमा में पहले जिला भरूच, फिर वडोदरा, फिर नर्मदा और हम उत्तर तट के अब चौथे जिले में हैं, छोटा उदयपुर। उत्तर तट के आखिरी जिले छोटा उदयपुर में हम हैं। गुजरात अब लगभग खत्म होने पर है। चंद्रमूलेश्वर महादेव महाराज जी हमें मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। 300 साल पुराना मंदिर है बाबा ये। जी हाँ, बहुत साल पुराना है। सब यहाँ इसकी सेवा करते हैं। कितने साल से हम समा हमारी पीढ़ी की पीढ़ी चली गई। मेरा जन्म यहीं का है। अच्छा। मेरे पापा पहले यहाँ सेवा करके निकल गए, मेरी मैया भी निकल गई, उसके बाद हम हैं। ये 300 वर्ष पुराना है। हाँ, 300 साल पुराना है ये मंदिर। और ये पीपल का पेड़ दोनों 300 साल पुराना है। ये पीपल का पेड़ और मंदिर दोनों 300 वर्ष पुराने हैं। उत्तर नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, गुजरात नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये भैया हमको गड़बोरियाद में मिले। ये बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और संत सेवक हैं। भैया आपका नाम बताइए। गणपत भाई। गणपत भाई क्या करते हैं? टेलर का काम करते हैं। अच्छा जी, कब से कर रहे हैं? 40 साल हो गए। अच्छा जी, संत सेवा कब से कर रहे हैं? संत सेवा 30 साल से करता हूँ। अच्छा जी, इस जगह का पूरा पता बताइए। ये जगह का, हाँ, ये गड़बोरियाद है, नसवाई तालुका, जिला छोटा देवपुर, और गड़बोरियाद बाजार लगता है, मिनी बाजार। गुजरात। गुजरात। नर्मदे हर। नर्मदे हर। Thank you.